अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों को FDI पर भारतीय कैबिनेट के फैसले से राहत मिली है, क्योंकि इन कंपनियों की नज़र भारतीय बाजार पर कई वर्षों से टिकी थी। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। जब ये मैनेजमेंट एक है, मालिक एक है, तो मजदूर एक क्यों नहीं हो सकते। गाड़ी का दिल यानी कि उसका इंजन यहाँ बनता है, लेकिन अब ये दिल भी धड़कना बंद कर चुका है। इस साल लाखों लोगों के घर का सपना सपना ही बना रहा। वो ऊंची बिल्डिंगों को बस दूर से ही देखते रहे। इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर साफ दिखा। ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां कर्ज तले दब गईं। इतनी बड़ी डील के केवल 15 दिनों के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्रेंच कंपनी डेसल्ट के साथ करार कई सवाल पैदा करते हैं। कर्ज में पूरी तरह डूब चुकी किंगफिशर एयरलाइंस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विजय माल्या के इशारे पे हर दिन 500 उड़ानें रद्द की जा रही हैं। हमारे साथ हैं इंडिया के मार्केटिंग एंड सेल्स हेड मिस्टर देवाशीष मित्रा। देवाशीष जी, क्या है इसमें खासियत, इस कार में इसका USP क्या है? जो ये गाड़ी का खासियत ये है कि गाड़ी नहीं है, ये बड़ों का खेलने के लिए खिलौना है। इसका BMW Z4 या Porsche जैसे दूसरे इस सेगमेंट की दूसरी कार से अगर ये अलग है, लोग ये खरीदना चाहेंगे तो क्या देखेंगे इसमें? वो जो रूफ है या उसका जो इंजन है या इसके अलावा और भी कुछ है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा दूसरी रिप्लाई देना चाहता हूँ। आप जब कोई यंग लेडी को देखती है, आप ऐसे सोचते हैं कि उसका नाक लंबी है या कान टेढ़ा है, उसका बाल लंबे है और हाइट कितनी है, और मेजर करके बोलते हैं कि दूसरी जो सुंदरी लड़की है उसके साथ साथ ये फ़र्क है। ऐसा नहीं, आप कभी भी जो कोई भी ब्यूटी को जब अप्रिशिएट करते हो, आप उसकी पैकेज को आप उसको डाइसेक्शन करके इसकी इसमें क्या फीचर्स है उसमें क्या फीचर्स है। कुछ आदमी है जो ये शेप को अच्छा लगता है, ये फीचर्स को लगता है, कुछ कस्टमर है जो जिसका दूसरा फीचर अच्छा लगता है, तो डायरेक्ट कंपेरिजन करना लग्जरी सेगमेंट में थोड़ी मुश्किल काम होती है। पहले ब्यूरोक्रेट्स, फिर MD, फिर बिजनेसमैन, किस पाली को आपने ज़्यादा एंजॉय किया? सब जगह पे, अगर सब जगह एंजॉय नहीं करते तो हम लास्ट नहीं करते। ये थे कार्नेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जगदीश खट्टर। इनके इरादे देखने से यही लगता है कि जिस तरह इन्होंने मारुति को बुलंदी तक पहुंचाया, उसी तरह ये कार्नेशन को एक अलग मुकाम दिलाकर ही मानेंगे।